जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने को लेकर भोपाल जिला अदालत में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यह याचिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश ने दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 18 नवंबर को होगी। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन ने बताया कि देश में भाजपा और कांग्रेस सिर्फ पुतला दहन कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ दिखावा कर रही हैं। उन्होंने कहा, किसी पार्टी को तिरंगे की चिंता नहीं है, वे सिर्फ अपनी पार्टियों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करे। देश के का जो झंडे का तिरंगे का कश्मीर में 23-24 तारीख को जो अपमान महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और लोगों ने जो तिरंगे का अपमान किया, इस देश के झंडे का अपमान किया, इसको लेके मैंने यहाँ एक परिवाद दायर किया है और उसमें मैंने लिखा है कि इस देशद्रोह का मामला बनता है। ऐसे लोगों को जो हमारे मुल्क में हवाएं और फिजाओं में जहर घोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, देशद्रोह का मामला अविलंब दर्ज होना चाहिए, इस लोगों को जेल में डालना चाहिए। क्योंकि झंडा राष्ट्रीय ध्वज के लिए, ऐसे तिरंगे के लिए लाखों सैनिकों ने, उलमा इकरामों ने, तमाम मुल्क के लोगों ने कुर्बानी दी, उस झंडे का अपमान हम हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। या आप देश के, मैं प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से ये मांग करता हूँ कि अविलंब महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी होना चाहिए थी, लेकिन क्या मजबूरी थी देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, कि अभी तक उन लोगों ने इस मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। बयानबाजी चल रही है कश्मीर में, पुतला दहन चल रहा है, बराबर हम लोग आपके टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया। क्या वजह है, क्या मजबूरी है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, जम्मू कश्मीर के गवर्नर से सबसे गुजारिश करूँगा, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज लगाता है, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है, फौरन इसकी गिरफ्तारी होना है। आज मैंने अपने पक्षकार की ओर से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एक परिवाद पेश किया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और उनके सहयोगियों द्वारा जब ये देखा गया कि हमारे नेशनल, हमारा जो ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसका अपमान किया, चूँकि एक्ट के अनुसार नेशनल फ्लैग के साथ कोई दूसरा फ्लैग नहीं लगाया जा सकता, नेशनल फ्लैग की एक अपनी डिग्निटी है, और जो जिन लोगों ने जो किया है उन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि दंडित करें। हमारा उद्देश्य ये है कि आइंदा लोगों में ये चेष्टा ना हो, नई पीढ़ी के अंदर ये भावनाएं बने कि वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे राष्ट्रीय जो भी गरिमा है उसका मान सम्मान बना के रखें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।